कर्मचारी हमारे अभिन्न अंग है और उनके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार कराती है, जो बेहतर हो सकता है। थोड़ा सा आप सब जानते हैं कि संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के भी मैं पार जाने की कोशिश करता हूं कई बार, और कई बार रोलर चला के कोशिश करता हूं, नियत दैनी है। और मुझे खुशी है कि जो अंतर था डीए देने में, मुझे लगता है कि महंगाई जब भागे लिए तो महंगाई इस बार फैसला कर लिया कि जनवरी से ही 8% अपना गैप बचा हुआ है, वो गैप जनवरी से ही हम फिलअप करेंगे, भरेंगे। और बाकी और समस्याएं धीरे धीरे निपटती जा रही, कई आप देख रहे हैं, पर बाकी पे भी अपनी लगातार प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो चुनाव को देख के कर रहा हो या बाकी कोई चीज़ देख के कर रहा हो। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तब से लगातार कोशिश रही है कि धीरे धीरे हम जितना संभव है कर्मचारी साथियों की समस्याओं का समाधान करते जाएँ, आगे भी ये जारी रहेगा। और इसलिए ड्यूटी का जहाँ तक सवाल है, कर्तव्य का जहाँ तक सवाल है, तो दोनों की अपनी गरिमा और अपना सम्मान है, उसी दृष्टि से विचार करके एक नई संस्कृति डालने का मैंने प्रयास किया है अपने कार्यकाल में। हम सब मिलजुल के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं, तो आप भी आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सफल ऑपरेशन हुआ है, सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वस्थ रहे, मदद वो बिल्कुल रहेगी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ।